ताकि इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको अगर बेल्ट टूटता है, अगर किस कारण से टूटता है वो पहले जानकारी लेना है, तभी जाके नया बेल्ट डालिए, नहीं तो आपका बेल्ट भी फिर दोबारा टूटेगा। देखिए आज एक नया वीडियो के साथ आया हूँ। वीडियो ये है कि अगर आपको सामान नहीं मिलता है बेल्ट का, अगर कुछ भी परेशानी का, सबका इलाज तो है। देखिए टाटा का गाड़ी है, इसमें देखिए इसमें फॉल्ट क्या था हमारा, बेल्ट कट रहा था, इसमें तो बेल्ट कट रहा था, ये जो हमारा डायनामा का बेल्ट था वो बेल्ट कट रहा था। इसमें हमारा स्टेडिंग पाम हमारा डायनामा इसमें जुड़ा हुआ है, और दूसरा बेल्ट है हमारा एसी कंप्रेसर के लिए, जो हमारा एसी जो ऑपरेट करता है, ठीक है। तो हमारा जो डायनामा बेल्ट कटने का वजह तो हमारा स्टेडिंग हार्ड हो जाएगा, अब हमारा बैटरी चार्ज करना बंद हो जाएगा गाड़ी का। तो बेल्ट तो टूटा था, तो हम बेल्ट आए हैं, लगाए भी दिए, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम था, बेल्ट क्यों टूटा, बेल्ट ऐसे नहीं टूटता है। टूटने का कारण बता रहा हूँ इसमें, देखिए बेल्ट टूटने का कारण था, ये जो एडजस्टर होता है इसको बेल्ट को टाइट करने वाला, कहीं नीचे टिका था होगा, उसीलिए बोल्ट बेंड हुआ था, देखिए थ्रेड मार्क हुआ था। तो अगर एडजस्टर नहीं मिलेगा फिर भी हम लोग कैसे बनाए इसको, फिर भी उसके बारे में आज जानकारी देंगे, ठीक है। देखिए हमारा जो देसी नट बोल्ट है, जो हमारा जो सीट मन में लगता है, कपड़ा मन में, वो मन का नट बोल्ट में देखिए इसमें अल्ट्रासाउंड करके बना दिया हूँ, ताकि हमारा जो बेल्ट टेंशन तो यहाँ नहीं मिलेगा बोल के हम लोग इसको सादा नट बोल्ट करके लगाया हूँ, ठीक है। देखिए इसको अल्ट्रासाउंड कैसे किया, देखिए नज़र से देखिए, देखिए इधर से नट बोल्ट इधर आर पार कर दिया, इधर से आठ बोल्ट इधर दे दिया मसाट डाल के, क्योंकि ये जो खचा है इसमें बैठने का रहता है। देखिए बोल्ट नहीं मिलने का कारण हमारा पास, हम लोग इसका अल्ट्रासाउंड करके बनाया, ये इसमें बेल्ट टूटा था, ये देखिए बेल्ट लगा दिया, अभी स्टार्ट करके फिर चेक करता हूँ आपको। देखिए मीटर है बराबर आया, डायनामा लाइट स्टार्ट बराबर हो गया, ठीक है। मिलेंगे और कुछ नया टॉपिक के साथ, नया वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही।